हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से गुलकंद बनाने की रेसिपी लेकर आए। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर है, कितना बेहतरीन गुलकंद हमारा बनके तैयार हुआ है। बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ों में गुलकंद का इस्तेमाल होता है, मिठाइयाँ बनाने में, शरबत बनाने में, खीर बनाने में और पान की गिलोरियों में गुलकंद का इस्तेमाल किया जाता है। तासीर इसकी ठंडी होती है और टेस्ट इसका ज़बरदस्त होता है। एक बार गुलकंद का आप मुँह में रख लें तो ये आपका मुँह खुशबू से भर देगा। अगर आप इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाएं तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलकंद बनाना और देख लेते हैं कि इस टेस्टी से और बहुत ही यमी गुलकंद को हमने फटाफट किस तरीके से बना के तैयार किया। गुलकंद बनाने के लिए ताज़े गुलाब की हमने पत्तियां ले ली हैं, बिल्कुल ताज़े गुलाब लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से हमारे गुलाब बिल्कुल ताज़े हैं, बिल्कुल लाल लाल। और ये हमने देसी वाले गुलाब लिए हैं। सबसे पहले इस गुलाब में जो भी डंठल है इसे हटा देंगे और गुलाब की सिर्फ पत्ती पत्ती ले लेंगे। जो भी इसमें ख़राब पत्तियाँ हों उनको भी आप निकाल दीजिएगा। देखिए इस तरीके से जो पीली पत्तियाँ हो गई उन्हें हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से जो ख़राब पत्ती इसे हम हटा देंगे और जो ये गुलाब की डंठल है इन्हें भी हम हटा देंगे। तो गुलाब की पंखुड़ियों को हम साफ़ कर लेते हैं। गुलकंद बनाने के लिए हमने देसी वाले गुलाब लिए। गुलकंद इसी गुलाब से बनके तैयार होता है। ऐसे तो गुलाब बहुत तरीके का आता है लेकिन जो गुलकंद बनाया जाता है वो देसी गुलाब से ही बनाया जाता है। देसी गुलाब की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, गुलकंद के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ये सारी गुलाब के डंठलें हम हटा देंगे और गुलाब की पंखुड़ियों को बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। तो ये इस तरीके से गुलाब की सारी डंठलें हमने हटा दी हैं और जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी उन्हें अलग कर लिया, इस तरीके से बिल्कुल साफ़ कर लिया। जो भी पीली पत्तियाँ थी उन्हें भी हटा दिया, बिल्कुल फ्रेश गुलाब के पत्ते हमने लिए हैं। अब इन गुलाब की पंखुड़ियों को दो तीन पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। अगर गुलाब की पंखुड़ियों में ज़्यादा मिट्टी हो तो उसे आप दो तीन पानी से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी सारी मिट्टी जो है वो भी निकल जानी चाहिए। कभी कभी गुलाब के फूलों में मिट्टी या गर्दा भी रहता है तो उसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पानी चेंज कर देते हैं और एक पानी से गुलाब की पत्तियों को फिर से वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए गुलाब की पत्तियों को हमने निकाल लिया, जो भी मिट्टी वगैरह थी नीचे बैठ गई है इसे हटा देंगे और एक पानी से फिर से गुलाब की पत्तियों को धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। गुलाब की पत्तियों को सब हमने धो लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो भी इसमें डस्ट थी क्लीन हो गई है। इसे आइए सुखा लेते हैं। एक कोई भी साफ़ कपड़ा ले लीजिएगा, किचन टॉवल ले लीजिएगा, गुलाब की पत्तियों को इसे फैला देंगे। तो ये हमने 50 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ ली है, ताज़े गुलाब की पत्तियाँ हैं, देसी गुलाब है ये। इसे अच्छी तरीके से सुखा लेंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे हमें ड्राई कर लेना है। जो भी कपड़ा आप यूज़ कीजिएगा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। आप टॉवल ले सकते हैं, कोई रुमाल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल साफ़ लेकिन कपड़ा होना चाहिए। 10 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे पंखे में, पंखे की हवा में जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सब ड्राई हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए हमने इसी तरीके से छोड़ दिया था गुलाब की पत्तियों को। इसे प्लेट में खाली कर लेंगे क्योंकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया है। ये देखिए पत्तियाँ एकदम ड्राई हो गई हैं। तो ये गुलाब की पत्तियाँ हमने ले ली हैं 50 ग्राम और इसमें हम डालेंगे चीनी। जितनी हम गुलाब की पत्तियाँ लेंगे उतनी हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 50 ग्राम हमने चीनी ले लिया, डाल देंगे इस तरीके से फैला के डालेंगे। और अब इस चीनी के साथ ही गुलाब की पत्तियों को अच्छी तरीके से क्रश कर लेंगे। गुलाब की पत्तियों को हमें चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं इनके साथ ही क्रश करना है। इन्हें हमें ग्राइंडर में पीसना नहीं है, इसी तरीके से क्रश करना है। जब इस तरीके से आप क्रश करेंगे तभी गुलकंद का सही टेक्सचर आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा गुलकंद बनकर तैयार होगा। चीनी की जगह आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में गुलकंद मिलता है वो चीनी के साथ ही बनाया जाता है। तो अच्छी तरीके से हमने पत्तियों को क्रश कर लिया है और देखिए कितना ढेर सारा पानी रिलीज कर लिया किया है गुलाब की पंखुड़ियों ने। और आइए इसे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जिस पैन में मैं गुलकंद पकाना है उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। इंस्टेंट गुलकंद बना रहे हैं इसलिए ये फटाफट बन के तैयार हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल गुलकंद बनता है उसे पकाया नहीं जाता है, उसकी रेसिपी हम आपको फिर कभी बताएंगे। आज हम इंस्टेंट गुलकंद बना रहे हैं तो इसे हमने बर्तन में खाली कर लिया है और आइए इसे पकाने के लिए रख देते हैं। गुलाब की पत्तियों को हमने रख दिया पकने के लिए। 102 मिनट हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि ये चीनी अपना सारा रस छोड़ दे और गुलाब की पंखुड़ी में जो भी मॉइस्चर है सब रिलीज हो जाए। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे इसे। 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाया और देखिए कितना सारा चीनी ने पानी रिलीज़ किया है, गुलाब की पत्तियों में जो भी मॉइस्चर था सब रिलीज़ हो गया है। अभी हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसके ड्राई हो जाने तक हमें पका लेना है।
ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे गुलकंद को पका के तैयार करना है। और लगातार चलाते भी रहिएगा, इस तरीके से पत्तियों को क्रश भी करते रहिएगा, इससे पत्तियों का जूस अच्छी तरीके से रिलीज होगा और कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। जो असली गुलकंद बनता है वो सिर्फ दो चीज़ों से बनकर तैयार होता है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता है। देखिए जब ये पक रहा है, जैसे जैसे पक के तैयार हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, इसकी जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त होती जा रही है। तो गुलकंद के गाढ़ा हो जाने तक हमें इसे पका लेना है मीडियम फ्लेम पे, और साथ साथ आप इसे लगातार चलाते भी रहिएगा, तभी इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 10 से 12 मिनट लगे हैं गुलकंद को तैयार होने में, और ये देखिए इसका सारा जो मॉइस्चर था ड्राई हो गया, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था सारा ड्राई हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें गुलकंद को नहीं पकाना है, इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो जो हमारा गुलकंद है बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। हमें गुलकंद को कितना पकाना है आपको दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। गुलकंद की चीनी की जो चाशनी है ये देखिए इस तरीके से एक तार की होना चाहिए, एक तार बन रहा है, तो ये हमारी जो गुलकंद का टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए इसमें एक तार आ रहा है, इससे ज़्यादा हम अगर चाशनी को गाढ़ा कर देंगे तो जो गुलकंद है हमारा टाइट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, फिर वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, एकदम हलवे जैसा टेक्सचर होना चाहिए गुलकंद का। ये देखिए एक तार बन के तैयार हो रहा है, दो तार इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ना ही इसमें डेढ़ तार आ रहा है, तो ये हमारा जो गुलकंद का टेक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो गुलकंद हमारा बन के तैयार हो गया, इसको प्लेट हमने खाली कर लिया, और देखिए इसको इसमें इतनी चाशनी रखना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा करेंगे तो जो चीनी हमें डाली है, चीनी की जो चाशनी बनी है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी और गुलकंद हमारा बिल्कुल सख्त हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, इतना पतला रखना ज़रूरी है। और ये जब ठंडा होगा रखे रखे इसमें और भी ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा गुलकंद बन के तैयार है। आप इसे मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं, या फिर इसको पान की गिलोरियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी ट्रेडिशनल चीज़ों में गुलकंद का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप ठंडा कीजिए और किसी शीशे के जार में खाली करके रखिए, आपका ये साल भर तक गुलकंद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अपने इस गुलकंद को चलिए बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को बनाते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।